ओम शांति। सब कुछ तेरा और तेरा कहने से ही फ़ायदा है, इसमें बाप का फ़ायदा नहीं है, आपका फ़ायदा है। क्योंकि मेरा कहने से फंसते हो और तेरा कहने से न्यारे बन जाते हो, मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते हो और तेरा कहने से डबल लाइफ ट्रस्टी बन जाते हो। तो जितना जितना हम मन ही मन यह अभ्यास करेंगे कि सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, यह तन मन धन संबंध संपर्क सब कुछ तेरा, तो उतना हमारी स्थिति हल्की रहेगी और हम बेफिक्र रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे, निर्भय रहेंगे, शक्तिशाली बनेंगे। हमें दिन में कई बार योग करते समय सब कुछ तेरा का अभ्यास करना है कि ये जो सब कुछ है किसका है, बाबा का है। तो एकाग्र करेंगे मस्तक के बीच में, मैं आत्मा ज्योति स्वरूप एक पॉइंट ऑफ लाइट, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मेरा स्वभाव शांत है, शांति मुझ आत्मा की शक्ति है, बुद्धि रूपी नेत्र के सामने देखे परमात्मा शिव बाबा ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा शिव बाबा ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, सर्व शक्तिवान, हम उनकी संतान, मास्टर सर्व शक्तिवान अनुभव करेंगे। परमात्मा शिव बाबा से एक लाइट की तार निकल मुझ आत्मा में कनेक्ट हो चुकी है, हम बाबा से कंबाइंड हैं, कंबाइंड होने से उनकी सर्व शक्तियाँ हमें मिलती रहेगी, हमारा मन शक्तिशाली रहेगा, हमें हर कार्य में सफलता मिलेगी। अभी शिव बाबा ज्योति स्वरूप पर बुद्धि को एकाग्र कर हम उनसे दिल से बातें करेंगे। बाबा आपने मुझे स्वस्थ मन दिया, स्वस्थ तन दिया, धन से भरपूर किया, हम आपका दिल से शुक्रिया करते हैं। शुक्रिया मेरा बाबा, शुक्रिया। यह सब आपका है, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। मैं आपको
तन मन धन से समर्पित हूँ। मेरे इस जीवन का हर समय संकल्प संपत्ति, मेरा हर कर्म, सर्व संबंध, यह तन और यह घर सब आपका है। हम इसे संभालने वाले केवल ट्रस्टी है। सदा निश्चिंत है, बेफिक्र है, इस परिवार में रहने वाले हर सदस्य आपके हैं। इस परिवार में सदा सुख शांति है। सभी आत्माएं हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस से भरपूर है। इस घर की भंडारी और भंडारे सदा भरपूर है। सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। करण करावनहार करा रहे हैं। मैं ट्रस्टी हूँ, मैं निमित्त हूँ, मैं परमात्मा का एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। इस अभ्यास को हम जितना जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ही हमारे अवचेतन मन में जैसे एक रिकॉर्डिंग हो जाएगा कि सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। और जब भी कोई इमरजेंसी हो, कोई विघ्न आ जाए या कोई समस्या आ जाए, वह चाहे धन की हो या शरीर की हो या चाहे संबंधों में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, तो इन परिस्थितियों में हम सदा हल्के रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे और हमारा मन शांत और शक्तिशाली रहेगा, क्योंकि मेरा कुछ भी नहीं है। बाबा, सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका है। ऐसे ही बाबा से प्यारी प्यारी बातें करेंगे। ओम शांति।